बेबी नहीं उठा सकती थी, मैं बेबी को उठाती थी तो आई फील मेरा जीवन लीक आउट हो रहा है। मेरी शादी को 5 साल हो गए। जो मेरा फर्स्ट बेबी है वो शादी के 1 साल बाद था, और जो दूसरे हैं उनमें गैप कम है, 1 ही साल में 2 हैं। मुझे पेल्विक फ्लोर की वीकनेस 3rd बेबी के बाद हुई। मुझे इसका ऐसे पता चला जैसे मुझे कोई छींक आ रही है, खांसी आ रही है, जैसे मैं कोई वज़न उठाती हूँ तो मेरा यूरिन लीक आउट हो जाता था। लाइक सीढ़ियाँ चढ़ना, कहीं भी जाना तो आई फील के जो है ना यूरिन मुझे आ रहा है। वॉशरूम में जाते जाते ही वो मेरा लीक आउट हो जाता। और एक दफ़ा तो बहुत एम्बैरसिंग सिचुएशन थी कि मैं मार्केट गई, मार्केट में जब मैं गई हूँ तो मेरा यूरिन जो है वो खांसने की वजह से, जैसे जैसे मुझे खांसी होती गई मेरा जो है वो यूरिन लीक आउट होता रहा, और मेरा ट्राउज़र ज़्यादा ख़राब हो गया। बहुत ज़्यादा मुझे शर्मिंदगी भी थी और परेशानी थी कि चेंज करने के लिए मेरे पास कोई रूम भी नहीं है। तो उसके बाद जो है मैं मार्केट से आ गई, और आके मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी कि कहीं जाना भी मुश्किल है मेरे लिए और कुछ ख़रीदना भी मुश्किल है क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में नहीं। एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी, मुझे आइडिया नहीं था कि यूरिन लीक आउट भी होता है, उसके पीछे कोई बीमारी होती है। पेल्विक फ्लोर मसल जो ख़वातीन में जो मोस्ट कॉमन होता है, जैसे कि प्रेगनेंसी के बाद मोस्ट कॉमनली जब डिलीवरी होती है बेबी की, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, सी सेक्शन जिसको हमारे यहाँ बड़ा ऑपरेशन कहा जाता है वो हो, या डिफरेंट जो पेल्विक रिलेटेड प्रोसीजर्स के होते हैं, उसके बाद ख़वातीन में ये चीज़ देखी जाती है कि उनके पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो जाते हैं। इसके साथ साथ एजिंग के साथ मर्दों में, ख़वातीन में ये चीज़, इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। उसके साथ साथ ये होता है कि वो ख़वातीन जिनकी के बच्चों में ज़्यादा गैप नहीं होता, उसमें फिर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि वो अपना केयर नहीं कर पाती हैं। और जो मेरा मेंटल डिप्रेशन ये था कि मैं लोगों से मिलना जुलना कम हो गई थी, मार्केट जाना कम हो गई थी, आई फील मैं बीमार हूँ। मुझे रोना भी आता था कि बेबसी महसूस होती है कि यार मैं अपने जो खुद के करने वाले काम हैं वो नहीं कर पा रही हूँ। और जहाँ तक अजवाजी ज़िंदगी है वो भी बहुत मुतासिर होती है। ज़ाहिर है एक मसल्स आपके वीक हैं ऑलरेडी, और फिर वो ज़्यादा वीक होते थे, फिर ज़्यादा यूरिन लीक आउट होता था और दर्द भी होती थी, तो वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। यूरिन मसल्स को टाइट करें और उसको कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड रखें, फिर उसको रिलैक्स करें। उनको इस चीज़ का अवेयरनेस नहीं होता कि जो प्रॉब्लम से ये डील कर रहे हैं उनके लिए कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ थेरेपीज रिक्वायर्ड होती हैं। फिर हम अपने पेशेंट्स को स्पेसिफिकली जो कीगल एक्सरसाइजेस हैं पेल्विक फ्लोर मसल्स के लिए गाइड करते हैं। उनको कहते हैं कि अपने यूरिन मसल्स को टाइट कर लें, स्क्वीज करके लिफ्ट अप कर लें। लिफ्ट अप आप बिल्कुल आप ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं जैसे कुछ वैक्यूम एक चीज़ को अपनी तरफ सक करके ऊपर की तरफ कर लेती है, बिल्कुल अपने उन मसल्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट अप कर लेना है। ख़वातीन को पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस से बचने के लिए कुछ एहतियाती करनी चाहिए। उसमें ये है कि बहुत ज़्यादा वज़न नहीं उठाएँ, अबनॉर्मल वे में नहीं उठाएँ, किसी भारी चीज़ को पुल या पुश नहीं करें, इन चीज़ का ख्याल रखें। अगर कुछ ख़वातीन कॉन्स्टिपेशन या कब्ज का शिकार रहती हैं तो वो अपने उस चीज़ का ट्रीटमेंट बिल्कुल अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके करवाएं, क्योंकि अगर हम कीगल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और साथ हम इन प्रॉब्लम्स का भी शिकार हैं और इन चीज़ों की एहतियात नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें एक्सरसाइजेस का फ़ायदा नहीं होता। पहले मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हूँ। लोगों में मिलना जुलना मेरा ख़त्म हो चुका था, लेकिन अब जो है मैं ठीक हो गई हूँ, लोगों में मिलती जुलती हूँ, आम रूटीन के सारे काम करती हूँ। मतलब ये मसला ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं हो सकता, ये इलाज से ठीक हो सकता है।